नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। लोहरदगा में रामनवमी के शोभा यात्रा में हुए पथराव और सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर से लेकर गांव-गांव तक तनाव में लोग रह रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम नजर आ रही है। झारखंड पुलिस के डीएसपी विकास श्रीवास्तव एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जो अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई कराकर जीवन पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। डीएसपी विकास श्रीवास्तव स्वयं शिक्षक बनकर छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जरूरतमंद छात्रों की मदद करते हैं और उनको जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। डीएसपी विकास श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें यह काम करना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था और इसमें मेरी पत्नी ने भी मुझे इसके लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। और देखिए, लॉ ऑर्डर की ड्यूटी में हम लोग आए हैं और ड्यूटी का ही पार्ट है ये, पूरा मेरे ड्यूटीशन में पड़ता है। इसी ड्यूटी के दौरान मैं जब पूरा काम कर रहा था तो इसी बीच स्कूल मिला। चलो बच्चों के साथ मैंने सोचा कि 10-15 मिनट समय से करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है अपना एक्सपीरियंस उसको शेयर करता हूँ। साथ ही साथ बच्चों में एक मोटिवेशन आता है कि कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं एक वे ऑफ टीचिंग क्या है, उनको आइडिया होता है। एक प्रयास है कि इन बच्चों के माध्यम से भी हम लोग माहौल में जो है शांति ला सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि कोई भी दंगा या किस तरह कोई माहौल ख़राब होता है तो ये नौनिहाल बच्चे हैं, ये अपने घर में जाएंगे और एक संदेश फैलाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसको लॉ ऑर्डर पर भी हमें फ़ायदा होगा और इनका कैरियर भी दुरुस्त होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।